हम कह रहे थे कि डिफॉल्ट में ये तकरीबन 1, 1.1 या 1.2, अप्रोक्सीमेटली 1.1, 1.2 या 1 इतनी होती है, किसी ब्राउजर में 1, किसी में 1.1, किसी में 1.2। तो 1 से 1.2 तक जो है ना वो डिफॉल्ट होती है। हम इसे कम या ज्यादा भी कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास जगह थोड़ी है और लाइंस जो है ना वो आप उनके दरमियान स्पेस कम करना चाहते हैं तो आप 1 से वैल्यू कम लिखेंगे, अदरवाइज ज्यादा करना चाहते हैं तो 1 से वैल्यू ज्यादा लिखेंगे। इसी तरह से टेक्स्ट डायरेक्शन जो कि बाय डिफॉल्ट लेफ्ट टू राइट होती है, आप जो भी लिखें वो लेफ्ट टू राइट डिस्प्ले हो रहा होता है, आप टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि वो राइट टू लेफ्ट आए तो उसके लिए आप डायरेक्शन RTL, ये सारी टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज थी, टेक्स्ट पे अप्लाई होंगी। RTL, RTL का क्या मतलब है? राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। इसमें से चंद एक चीजें मैं आपको करवा देती हूँ, पहले टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज कवर कर लें, मैं शेडो कराऊंगी ना तो फिर बाकी चीजें करा देती हूँ। उसके बाद आता है वर्ड स्पेसिंग। वर्ड स्पेसिंग जैसे लेटर स्पेसिंग था ना, ऐसे ही वर्ड स्पेसिंग। वर्ड स्पेसिंग वर्ड्स के दरमियान स्पेस है और लेटर स्पेसिंग लेटर्स के दरमियान स्पेस है, ठीक है? लेटर्स के दरमियान, ये दो वर्ड्स के दरमियान स्पेस है। कॉन्सेप्ट वही है कि अगर आप यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव लिखेंगे तो वर्ड्स के दरमियान स्पेस आएगी, वैल्यू नेगेटिव लिखेंगे तो वर्ड्स के दरमियान स्पेस खत्म होती जाएगी, -5 निकाल लिया जाएगा जो एक्चुअल स्पेस डिफॉल्ट में है उसमें से, तो वर्ड्स एक दूसरे के ऊपर ओवरराइट होना शुरू हो जाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट टेक्स्ट शेडो प्रॉपर्टी है, ये मैं आपको करवाऊंगी तो आपको जो है ना वो सही तरह से समझ आएगी कि टेक्स्ट शेडो आपके पास क्या प्रॉपर्टी है। अच्छा, अब किसी ने पहले बोला था कि टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करा दिया जाए, तो पहले टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं फिर टेक्स्ट शेडो कर लेते हैं, तो टेक्स्ट की दो प्रॉपर्टी जो है ना वो हमारी जो है प्रैक्टिकल भी हो जाएंगी। अब P भी इसमें टेक्स्ट है और H1 में भी टेक्स्ट है, तो हम H1 को सिलेक्ट कर लेते हैं टेक्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए, ठीक है? H1। अब इसमें प्रॉपर्टी का नाम क्या था? टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। वैल्यूज क्या थी? अभी देखे ना, इंट्रोडक्शन सारा स्मॉल में लिखा हुआ है, हम चाहते हैं कि ये अपर केस में वहां पे डिस्प्ले हो, वेब ब्राउजर में जब आए तो अपर केस में डिस्प्ले हो सारा, तो हमने क्या लिख लिया? अपर केस। अब इसको वहां से ओपन कर लेंगे, ये था, देखिए इंट्रोडक्शन यहाँ क्या आ रहा है? अपर केस में, और वहां क्या है? सारा वहां सारा स्मॉल है, ठीक है? जो हमने कोड में लिखा हुआ है सारा स्मॉल है। अगर आप यहाँ पे चेंज कर देते हैं, कैपिटलाइज था उसमें पहला जो लेटर होगा वो कैपिटल होगा, बाकी सारे स्मॉल होंगे, ठीक है? ये देखिए, आई कैपिटल हो गया और बाकी सारे क्या हो गए? स्मॉल हो गए। इसी तरह लोअर केस भी है, लोअर केस का इफेक्ट नजर नहीं आएगा आपको क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी स्मॉल है, तो स्मॉल ही ठीक हो गया टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। उसके बाद है टेक्स्ट शेडो, ठीक है? वो भी मैं इधर ही अप्लाई कर लेती हूँ शेडो, ठीक है? उसके लिए मैं अलग टेक्स्ट लिख लेती हूँ क्योंकि इसके बैकग्राउंड पे कलर है, तो हम उसके लिए दोबारा से एक H2 लगा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है? और मैं यहाँ पे लिख भी रही हूँ टेक्स्ट शेडो, ये मेरी विंडोज पे आके ना मेरी मैक कीज चेंज हो जाती हैं तो मुझे फिर यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। टेक्स्ट शेडो ये आ रहा है। अब हमने इसके नीचे शेडो अप्लाई करना है, ठीक? उसके लिए आपने क्या करना है? H2 को CSS में पिक करना है और यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम भी क्या है? टेक्स्ट शेडो। प्रॉपर्टी का नाम भी है टेक्स्ट शेडो। अब मैं इसके अंदर ना वैल्यूज दूंगी और आपने इसको चेक करना है कि ये कहाँ कहाँ अप्लाई हुए है। पहली वैल्यू में दे रही हूँ 3 पिक्सल, दूसरी में दे रही हूँ 10 पिक्सल और फिर तीसरी दे रही हूँ मैं इसका कलर। अब आपने नोट करना है कि 3 पिक्सल क्या चेंज आया और 10 पिक्सल क्या चेंज आया है, और रेड तो आपको पता है कि इसका क्या है? कलर है, ठीक है? क्लास के बाद कर, बस ये मोबाइल मेरा तो नहीं आया। अब ये आ गया आपके पास, अब ये टेक्स्ट शेडो का शेडो आ रहा है नीचे। अब ये 3 पिक्सल क्या है इसमें पता चल रहा है आपको? बॉटम, ये दो जगहों पे लेफ्ट राइट, ना ना ये लेफ्ट और बॉटम, ये लेफ्ट से आगे मूव किया है। हम दो चीजें लेंगे,
ये राइट साइड की तरफ गया है, शेडो राइट साइड की तरफ गया है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये लेफ्ट से आगे मूव हुआ है, और दूसरा हम कह सकते हैं कि ये टॉप से नीचे गया है और बॉटम की तरफ आया है, ठीक है। तो इसमें दो चीजें, ये लेफ्ट से आगे मूव किया है और टॉप से नीचे मूव किया है। आपको क्या लगता है, 3 pixel लेफ्ट की वैल्यू थी या 3 pixel टॉप की वैल्यू थी? टॉप की, मैं फर्स्ट वन तो टॉप की थी। 3 pixel लेफ्ट की है ना, लेफ्ट की है मैम। टी को जरा नोट करो। यस मैम। टी से टी थोड़ा सा नीचे है, टी से टी 10 pixel नीचे है, और टी से टी कितना आगे है? 3 pixel लग रहा है। अब चले इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं, इसलिए कि मैं ये यहाँ 20 करती हूँ। अब जो चीज चेंज होगी वो आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज चेंज हुई है। और नीचे आ गया 20 pixel, क्या मतलब है? दूसरी वैल्यू किसकी है? टॉप की। टॉप से मूव कर जाता है उतना। मैम इस पे शॉर्ट हैंड वाली चल क्यों नहीं रही? क्या नहीं चल रही मैम? जो आपने हमें बताया था कि पहली दो टॉप बॉटम होती है, दूसरी दो लेफ्ट राइट होती है। नहीं नहीं, ये वो अलग चीज है ना, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। उसमें हम चार वैल्यूज दे रहे थे, ये वो चार वैल्यूज का चक्कर नहीं। इसमें आगे देखो, आगे कलर भी तो आ रहा है ना रेड, ये वो अलग चीज है, ठीक है। इसमें वो चार वैल्यूज वाला चक्कर नहीं है, ये अलग चीज है। अब इसमें अगर हम पहली वैल्यू को देखें, मैं इसको 6 pixel कर रही हूँ, तो ये लेफ्ट से आगे मूव करेगा, ये देखो ठीक हो गया। और यही वैल्यूज अगर मैं नेगेटिव में दे दूं तो इनकी डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगी, ऊपर की तरफ चली जाएगी। अभी ये पहले राइट की तरफ जा रहा था ना, अब ये लेफ्ट की तरफ आएगा, ये देखो ठीक हो गया। तो पहली वैल्यू किस चीज की है? लेफ्ट राइट की। पहली वैल्यू लेफ्ट राइट की है और दूसरी वैल्यू टॉप बॉटम की है। और यही मैं अगर नेगेटिव में दे दूं, -10 pixel, पहले मैंने पॉजिटिव में दिया था तो नीचे मूव किया था, अब मैं नेगेटिव में दूंगी तो ये टॉप की तरफ मूव कर जाएगा, टॉप की तरफ मूव करेगा ये नेगेटिव। क्लियर हो गया इन दोनों वैल्यूज में कोई कंफ्यूजन? यस मैम। नो मैम। मैम क्लियर हो गया। मैम मेरा एक क्वेश्चन है मैम, जैसे हम मैम टेक्स्ट शेडो जब आता है रेड कलर में जो आ रहा है, अगर हम उसका साइज बड़ा करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट शेडो आ रहा है उसका साइज बड़ा हो, तो कैसे होगा? साइज तो उसका जो है ना, वो जितना आपके टेक्स्ट का साइज है उसके लिहाज से ही होगा, ठीक है। हाँ आप उसकी एक चीज जो है वो सेट कर सकते हैं। अब जितना टेक्स्ट का साइज है ना, शेडो का साइज भी बाय डिफॉल्ट उतना ही होता है, ये आप नोट कर लो। यस मैम, ठीक है। हाँ आप ये कर सकते हैं यहाँ पे कि आप बाय डिफॉल्ट ये जो है ना, ये बिल्कुल जो है वो ब्लर नहीं है, ये भी रीड किया जा सकता है, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि ये मैं सेव करती हूँ इसको, मैंने वो माइनस वैल्यूज हटा दी है ना, तो ये ऐसे आए, अभी भी ये रीड हो सकता है। मैं ये चाहती हूँ ये ब्लर हो जाए, तो मैं यहाँ पे ये वैल्यूज दे रही हूँ, इससे आगे 2 pixel, 6-10 के बाद एक वैल्यू दे रही हूँ 2 pixel। अब ये क्या करता है, ये देख रहे हैं आप क्या किया? ब्लर हो गया। ब्लर हो गया है, जितनी वैल्यू ये ज्यादा देंगे उतना ही ये ज्यादा ब्लर होगा। लेट स्टार्ट की थी ना क्लास, इसलिए ये जितना ज्यादा वैल्यू दे उतना ज्यादा ब्लर होता जाएगा, जितनी कम वैल्यू देंगे उतना कम ब्लर होता जाएगा। 0 pixel देंगे तो बिल्कुल भी ब्लर नहीं होगा, वैल्यू यह हटा देंगे, तो ये ब्लर को शो कर रहा है। ठीक हो गए, टेक्स्ट शैडो क्लियर हो गया आप लोगों को? मैम ब्लर की वैल्यू नेगेटिव भी दे सकते हैं? नेगेटिव दे रही हूँ। खत्म हो गया ना, 0 pixel दे दें या उसके बाद शैडो ही बिल्कुल ही खत्म हो। ओके मैम, थैंक यू। ठीक हो गया, ये आपके टेक्स्ट शैडोज हो गए। ये सारी वैल्यूज जो यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये मैंने आपको करवा दी हुई हैं कि ये रख के देखें क्या होता है, ये रख के देखें क्या होता है, ये हो जाए। CSS आइकॉन्स में बाद में कराऊंगी आपको, अभी CSS लिंक्स पढ़ लेते हैं पहले, 10 minutes लगेंगे मुझे। आती हूँ मैं, नीचे आती हूँ मैं। CSS लिंक्स।
लिंक आपको पता है क्या होते हैं? क्या होता है लिंक? एक पेज से दूसरे पेज पे आपने मूव करना है तो आप लिंक के थ्रू मूव कर सकते हैं। लिंक आपके पास चार तरह के होते हैं। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं आया, 5 बजे तक ही है। चार के बाद कोई बच्चा आ गया और ऑफिस में कोई ना हुआ तो मुझे कॉल ले आना शुरू हो जाएंगी उनकी। मैं चली जाऊं फिर? हाँ कह के किसी को चली जाना। ठीक है। खाना नहीं है कुछ आज? खाना नहीं है कुछ? जाओ फिर। ठीक है। ठीक। सी एस एस लिंक्स, लिंक आपके पास चार तरह के होते हैं। एक ए कॉलन लिंक कहलाता है, ऐसा लिंक जो अभी तक विजिट नहीं हुआ, अनविजिटेड, मतलब जिसको आपने क्लिक नहीं किया। ए विजिटेड, ऐसा लिंक जिसको क्लिक करके आपने चेक कर लिया है कि इसके अंदर क्या है, ठीक है, इसके अंदर कौन से वेबसाइट का पेज का पाथ है। हॉवर, जिसके ऊपर आप अभी माउस लेके गए हैं, ये आप माउस लेके गए हैं तो इसका मतलब अभी आपने हॉवर किया है। एक्टिव एट द टाइम ऑफ क्लिकिंग, अब देखे ना अगर ये लिंक लगा हुआ है ना, ये मैं इसे कहूंगी ये भी लिंक है, नॉर्मल लिंक। जब मैंने हॉवर किया तो मैंने हॉवर किया, जब मैंने क्लिक किया तो इसका मतलब है कि ये एक्टिव हो गया है। जब मैंने क्लिक करके छोड़ दिया और वो लिंक के अंदर जो भी पाथ था वो ओपन हो गया तो इसका मतलब है अब ये कौन सा लिंक बन गया, विजिटेड, विजिटेड, ठीक हो गया। हम लिंक के चार सेटिंग्स कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पे करा देती हूँ। यहाँ पे हम गूगल के पेज का एड्रेस लिख लेते हैं, ये एड्रेस लिखा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्लिक में, ठीक हो गया। यहाँ पे आ जाए, अब सी एस एस ए को हमने पिक किया, ठीक है। अब हम जब कह रहे हैं कि ए जो है ना जिस टाइम पे क्या है, लिंक, चार प्रॉपर्टीज थी ना लिंक, ए लिंक, लिंक का मतलब ये है कि अभी वो अनविजिटेड है, उसको विजिट नहीं हुआ हुआ, एक मतलब होता है। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो बोलो बेटा, कौन है? हेलो हेलो, मुझे कॉल किया है बोलें तो सही। हेलो 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 कॉल करके फिर आगे से वो अपनी बातें शुरू हो जाते हैं, कम से कम बोलें। पहले बंद तो नहीं थी, मुझे लग रहा है मैंने दरमियान में ऑफ की थी कॉल के लिए। यस मैम, तब आपने ऑन की थी वैसे बंद की थी। जी आपने उल्टा कर दिया था कॉल के टाइम रिकॉर्डिंग, आपने ऑन कर दिया। पहले ऑफ थी ना? जी मैम, मुझे जब ऑफ होती है मुझे बताया करें, क्योंकि मैं कहती हूँ कि ये फालतू चीजें अंदर जो है ना कॉल वगैरह ये रिकॉर्ड ना हो तो बेहतर है। ये हमारे पास एक बटन टाइप बन गया, बटन, ठीक है, जिस तरह बटन होता है आपकी वेबसाइट। हाँ, इसके नीचे जो लाइन आ रही है उसको भी रिमूव कर लेते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन नन, और इसका टेक्स्ट कलर जो है ना वो मैं कर लेती हूँ। कौन सा कलर आएगा टेक्स्ट कलर, कौन सा आएगा? कोई नहीं, मतलब कि हम पीछे से कोई याद रखें चीजें, पढ़ा हुआ है ये बात, सेव कर लें। अप्लाई क्यों नहीं हुआ, क्या मसला आ रहा है? ये इसमें सेमी कॉलन रह गया। अभी भी कोई कोड इशू है?
बैकग्राउंड कलर, पैडिंग, बॉर्डर, टेक्स्ट डेकोरेशन एंड कलर. तो होना चाहिए इसमें. टेक्स्ट डेकोरेशन तो चली गई है, कलर अप्लाई नहीं हुआ. कलर टेक्स्ट कलर अप्लाई होना चाहिए था, जो कि बाय डिफॉल्ट इसका ब्लू होता है, उसे चेंज होना चाहिए था. तो बस ये ए कॉलन लिंक में कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो वर्क नहीं करती, हालांकि इसे यहाँ पे भी वर्क होना चाहिए था. प्रॉब्लम यहाँ पे भी नहीं करना चाहिए था. वैसे ये सिंपल लिखें या ये लिखें, एक ही चीज है, सिर्फ फर्क ये है कि ये तमाम में कोड एक जैसा रखेगा, चाहे आप जो है वो होवर करें या कुछ, उसके बाद ये सेटिंग होंगी. इसमें भी ऐसे ही है. अगर मैं ये सारा कोड उठा के सिंपल ए के अंदर ले जाऊं और इसको ख़त्म कर दूं और जस्ट होवर पे कलर चेंज करा दूं, होवर पे तो चेंज कोई नहीं आया मेरा, बल्कि वहाँ पे मेरा जो है ना ए कॉलन लिंक में मेरा बैकग्राउंड ख़त्म कर दिया था, यहाँ पे वो बॉर्डर वो भी आ रहा, तो फ़र्क नहीं है ए में लिखें या ए कॉलन लिंक में. हाँ, होवर लिखना ज़रूरी है, क्योंकि जब माउस होवर करेंगे तो फिर कलर चेंज होगा. माउस होवर पर टेक्स्ट कलर को भी चेंज होना चाहिए. वैसे टेक्स्ट कलर करते हैं, बैकग्राउंड रेड होगा तो टेक्स्ट कलर ग्रीन करके देखते हैं ताकि प्रोमिनेंट हो. ग्रीन अब इसमें देखें, पहले वाइट है, बैकग्राउंड रेड होता है और टेक्स्ट कलर. तो इस तरह से आप बटन्स बना सकते हैं. आज हमने बॉक्स बनाना सीखा कि डिव के थ्रू बॉक्स कैसे बनाते हैं, ये सब बॉक्स. और फिर हमने टेक्स्ट की प्रॉपर्टी सारी डिस्कस की. फिर हमने लिंक के अंदर देखा कि लिंक को एक्टिव लिंक कौन सा होता है, आम लिंक कौन सा होता है, हॉवर करना क्या होता है, विजिटेड क्या होता है. फिर हमने लिंक से बटन बनाना सीखा कि लिंक से बटन कैसे बनाते हैं, ये लिंक से बटन. ठीक है, तो अब इस स्लाइड्स में हमारे सिर्फ आइकॉन्स रह गए हैं. आइकॉन्स की चूंकि हमने लाइब्रेरी यूज़ करनी है और लाइब्रेरीज का कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया नहीं है, तो पहले लाइब्रेरीज का कॉन्सेप्ट दे के फिर मैं आइकॉन्स की. ये एक रिलेशन शीट है ऑनलाइन, ठीक है, इसके थ्रू हम करेंगे. तो ये आपकी स्लाइड जो है ना, सीएसएस की पहली स्लाइड जो है ना वो कम्प्लीट हो गई है. अभी तो ये